Hello kids, welcome to math session. Today we are going to do one exercise from the chapter Introduction to Graphs. So हमने और थोड़े से coordinates का कैसे we plot on the graph we have learned. So today based on the same concept we are going to do some exercise questions. So let us start doing it. Now plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. So, यहाँ पे ऐसे आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, ऐसे आपको मिलते हैं, है ना? आपको ग्राफ कॉपी के बारे में मालूम है. ये मैंने एक ऐसी आपके प्रैक्टिस के लिए सामने एक रख दिया है. सो इस टाइप से यू गेट द ब्लैंक पेज. हाउ विल यू स्टार्ट? तो यहाँ पे हमें मालूम है ओरिजिनल पॉइंट का जो हमारा होता है काउंट, वो होता है 0 0. मीन्स हमारा जो ग्राफ का जहां हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज्वाइन होते हैं, फ्रॉम देयर वी लुक फॉर द कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ वाई एक्सिस. तो ये जो नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है डेट इज एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर का हमारा वर्टिकल लाइन होती है डेट इज वाई एक्सिस. क्लियर? नाउ आपका अलग एक हमारी सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर होता है, एक हमारा इंचेस का होता है. बेस्ड ऑन आपके पास जो है यू गिव द काउंटिंग विद द ब्लॉक्स. इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा अभी आपको हाईलाइट करना है, तो मैं टू ब्लॉक्स को एक वन यूनिट मान के चलूंगी. सो हाउ आई एम मार्किंग, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड दिस 6. क्लियर? ये मैं इसलिए कर रही हूं जैसे आपको पूरा क्लियर विजिबल हो. अगेन यहां पे 2 का ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6. क्योंकि मैंने 6 तक क्यों ले रही हूं, क्योंकि मोर देन 6 आई डोंट हैव एनी वैल्यू. तो आई एम टेकिंग अप टिल 6, और अगर हम चाहे प्रिकॉशनरी आई कैन टेक 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी 7. सो 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. अब मेरा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है डेट इज 4 0. 4 0 को हम कैसे मार्क करेंगे? दिस मीन्स एक्स एक्सिस पे 4 एंड वाई एक्सिस का 0. तो I will get one dot here. Now 4 2, x axis पे 4 and y axis का 2. So this will come over here 4 6. So x का 4 and y का 6. तो 4 और ये मेरा आ गया 6. Clear? And 4 2.5. So 4 2.5, क्योंकि अब मैंने दो दो का एक लिया है तो मिडिल की लाइन मुझे एकदम एग्जैक्ट मिल रही है, तो दिस विल बी 2.5. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ स्केल एंड विद द हेल्प ऑफ द स्केल क्या करूंगी, आई विल ज्वाइन दीज डॉट्स. सो कभी भी आप फ्री हैंड से नेवर ज्वाइन इट. क्लियर? फ्री हैंड से नेवर ज्वाइन इट. टेक अ स्केल और जो आपको लाइन जैसे मिलती है उस पर यू पुट इट. यहां पे लिया एंड इन दिस वे यू आर गोइंग टू ज्वाइन इट. सो व्हाट आर दे आस्किंग, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन. तो हमने वेरीफाई कर दिया दे लाई ऑन अ लाइन. एक और आपके सामने क्वेश्चन है, इट इज विद द सेम थिंग, यू हैव टू मार्क. ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है तो मैं एक ब्लॉक को एक ही काउंट लूंगी. सो 0 यहां पे फॉर बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस. तो ऑलवेज वी इफ वी जस्ट राइट एक्स एंड वाई, दिस शोज के वी नो अबाउट एक्सेस. ग्राफ में वी ऑलवेज मार्क इट. क्लियर? सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए. 1 2 3 4 5
इससे ज्यादा वी डोंट नो. तो P आ रहा है हमारा 1 1, तो 1 x-axis 1 y-axis 1 1, और यहां पे हमने नाम दे दिया इसको P. Q है 2 2, तो 2 2, सो दिस इज Q. R 3 3, सो आई विल मार्क 3, मैंने यहां से काउंट लिया एंड 3 यहां का लिया, सो दिस इज R. एंड देन S है 4 4, तो यहां पे आई एम गेटिंग 4 4, दिस इज S. सो अब आपको मालूम है, यू विल टेक द स्केल, ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, विल टर्न द स्केल एंड विल ज्वाइन दीज लाइंस. सो यहां पे आप स्केल सेट करके और इस वे में डायगनल स्केल करके यू आर गोइंग टू ज्वाइन द लाइन. क्लियर? ऐसा आपका ग्राफ बनकर आएगा. समझ में आ रहा है ना? इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ये बहुत इजी है. और एक बार ग्राफ का क्वेश्चन हमें मिल जाए, इससे इजी तो हमें मैथ्स में कुछ और मिल ही नहीं सकता है ना. इट्स ओनली वी हैव टू लुक फॉर द पॉइंट्स एंड मार्क इट देयर. सो एक देयर इज वन मोर क्वेश्चन. सो स्टार्ट थिंकिंग. चलिए आपके सामने ये है, मे बी आप लोगों के पास इस समय ग्राफ कॉपी नहीं हो, तो अभी इसको सोच के आप सोचिए कैसे ये बनकर आएगा. जस्ट गिव अ थॉट टू दिस एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. चलिए आपने सोच लिया ना, तो यहां पे व्हाट आई विल राइट, 0. ओके, एम आई मिसिंग समथिंग? मैंने क्या बताया था, ग्राफ जब भी हम करते हैं हमें कुछ एक चीज मार्क करनी होती है. Yes, I have not written x and y here. This is a compulsory thing. Okay, next. Ab main, I will mark it. Okay, so hamare paas dekh rahe hain, 5 maximum value we are getting is 5. So kya karenge, hum dono taraf 5 mark karenge. चलिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस बार, 2 यूनिट्स को 1 बना देते हैं, 2 3 4 5, क्योंकि देन इट इज वेरी क्लियरली विजिबल टू यू. अगेन यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 एंड 5. नाउ 2 3 कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 2 3. थिंक अबाउट वेयर आई शुड पुट द पॉइंट. पहले आप सोचें एंड देन आई विल पुट इट. यस, 2 यहां पर एंड 3 हमें यहां मिल रहा है. सो अ डॉट हियर, 5 3. 5 कहां का लेना हमें, एक्स एक्सिस का, तो 5 हमने ये ले लिया. ओके, एंड 3 के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू मूव अवर हैंड अप टिल 3. सो 5 3 इज हियर. Then 5 5 5 5 is this. So हमें क्या मिल रहा है, this is K, this is L, this is N, and then N. 2 5. 2 is here and 5 is here. Clear? So, 2 3. Oh, the dot must come here, huh? So 2 and 3, it should be here. So that, क्योंकि देखते ही देखे हमें पता चल गया कहीं हमने गलत डॉट लगा दी थी जल्दी में. So 2 is there and 3 is here. And अब हमारा 2 5 का is n. So, देखने से आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग सम ज्योमेट्रिकल फिगर, और दिस सीम्स टू बी अ रेक्टेंगल. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू विल टेक द स्केल एंड विल ज्वाइन ऑल डॉट्स. सो मैंने ये ज्वाइन करा, फिर आई विल टर्न द स्केल, विल टेक इट ओवर हियर एंड विल ज्वाइन दिस पॉइंट.
इस वे में हम सारे पॉइंट्स को विल ज्वाइन. और दिस इज द लास्ट ज्वाइनिंग फॉर अस टू डू. सो ये हमें क्या मिला, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वी हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, 3, 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो उन्होंने सबसे पहले ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए पहले ही कर दिया है कि दे आर सेइंग टू ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 3, 2. तो हमारा क्या है 2, 3, ये आ गया डॉट एंड देन 3, 2. सो 3 ये है, 2 ये है. नाउ दे आर सेइंग, ये हमें दो डॉट्स मिल गई ना, दे आर सेइंग टू ड्रॉ अ लाइन. और ये ड्रॉ अ लाइन, एक तो जब हम ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइन विल गो इन दिस डायरेक्शन, लेकिन जब उन्होंने हमसे पूछ लिया है कि हमें क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे वो कहां मीट कर रही है, एट 50. एक्स एक्सिस पर वो कहां मीट कर रही है, एक्स एक्सिस पे वो मीट कर रही है एट 50. एंड वाई एक्सिस पे वो कैसे मीट कर रही है, सो वाई क्या देख रहे हो, इट इज 0, 5. एक्स का जो वैल्यू जा रही है डेट इज 0 एंड वाई की जो वैल्यू जा रही है डेट इज 5. तो वाई एक्सिस पे इट इज मीटिंग एट 0, 5. क्लियर? नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर्स. सो यहां पे हम देख रहे हैं ए का जो होगा वो क्या होगा, ए का एक्स पर 2 है, वाई का 0, तो 2, 0. ठीक है. नाउ बी का कैन यू टेल, 2, 3. सी का आप बता सकते हैं, 0, 3. क्योंकि यहां से यहां गया तो y पर वी आर गेटिंग 3 का वैल्यू. क्लियर? ऐसे आपका अगर हम पी क्यू बोले तो p का क्या जाएगा, 4, 3. q का 6, 1. सो इस वे में हमारे पास जितने भी हमें फिगर अल्फाबेट से आए, हमें कुछ रिप्रेजेंट, कुछ फिगर्स रिप्रेजेंट करी हुई है, तो इनका वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट. तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आई हैव रिटन, सम ऑफ का यू कैन डू ऑन योर ओन. नाउ सम ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट व्हाट डेटा फॉल्स. अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 will lie on y-axis. So, आप x and y का देखें तो उसमें क्या कह रहे हैं, जो a point whose x coordinate is 0, तो x coordinate 0 हो गया and y coordinate is non-0. तो y coordinate means यहां पर आ जाएगा कहीं, तो कहां lie करेगा, y-axis पे. This is true. A point whose y coordinate is 0, a y coordinate आपका 0 है and x coordinate is 5. x coordinate आपका suppose 5 यहां जा रहा है, will lie on y axis? नहीं, ये this is false क्योंकि this is lie on x axis. So this will be false. The coordinates of the origin are 0, 0. Yes, दोनों का कहां से स्टार्ट होता है, यहां से. So yes, this is true.
So what did we learn today? Today we have done some practice questions based on the coordinates concept. So see you again in the next session. Bye.